कमी से डिहाइड्रेशन की समस्या होती है। अगर पानी अधिक मात्रा में भी सेवन करते हैं तो भी हमारे शरीर को काफी नुकसान पहुंचता है। नमस्कार, मैं रानी गुप्ता क्यूरन या आयुर्वेदा में आपका स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई सेहत से जुड़ी बात के साथ। इस खास प्रोग्राम में आज हम आपको बताएंगे कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी होता है। हालांकि हमारा पूरा शरीर लगभग 70% पानी से बना है। हम जब पैदा होते हैं तब से ही हम पानी का सेवन करते हैं और हमेशा हम पानी के बलबूते पे ही अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन जब हम एडल्ट होते हैं, यानी जब हम बच्चों से एडल्ट बनते हैं, तब हमारी ये क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में तब 70% से पानी 60% हो जाता है। तो वहीं महिलाओं में करीबन 55% पानी होता है। लेकिन हम अक्सर पानी का सेवन कभी भी कहीं भी किसी भी समय कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए इस बात की जानकारी रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पानी का सेवन किस समय हमारे लिए फ़ायदा पहुँचाता है और किस समय हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक साबित होता है। इसी बात पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दीपिका मैम, जो आपको बताएंगी कि पानी हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदायक और कितना फायदेमंद साबित होता है। साथ ही पानी का कब कब सेवन हमारी सेहत पर सकारात्मक असर छोड़ता है, कब कब इसका सेवन हमारे शरीर पर नकारात्मक असर छोड़ता है। दीपिका मैम, सबको पता है कि पानी जो है हमारा पूरा बॉडी 70% पानी से ही बना है, और एक रिपोर्ट के अनुसार इस बात की भी जानकारी दी गई थी कि जो हमारे शरीर में कोशिकाएं मौजूद होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा पानी मौजूद होता है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही रानी जी कि हमारा जो शरीर है वो 70% पानी से बना हुआ है, और पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी भी है। पानी पीने के अधिक फायदे भी हैं तो नुकसान भी है। फायदे हैं, सुबह उठकर पानी पीने के सबसे ज़्यादा बड़े फायदे हैं कि एक तो सारा दिन आपका एनर्जी लेवल बना रहता है, दूसरा कि जितनी भी रात भर हमारा शरीर हमारे अंदर एक मेंटेनेंस करता रहता है चीज़ों को, तो उनको मेंटेन करते हुए हमारे अंदर शरीर की जो पानी की मात्रा है वो कम हो जाती है। तो सुबह उठ के शरीर पानी पीने से वो मात्रा बढ़ जाती है, कवर हो जाती है, जिससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होती है, डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। दूसरा, पानी सुबह सुबह पानी पीने से हमारी पाचन शक्ति बनी रहती है, जिससे आपको आहार को पचाने में बहुत ही मदद मिलती है। जैसे दीपिका मैम ने बोला कि पानी पीने से हमारा पाचन तंत्र हमेशा तंदुरुस्त बना रहता है, लेकिन दीपिका मैम आजकल के टाइम पर देखा जा रहा है कि जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस हिसाब से हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस हिसाब से हमारी सेहत बिगड़ रही है। क्या ये वाकई हकीकत है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह का आजकल हमारे ऊपर वर्क प्रेशर है, टेंशन्स हैं, और आज का हमारा खान पान है, उस हिसाब से हमारे शरीर में बीमारियां बनती जा रही हैं, और हम पानी का सेवन भी बहुत कम करते हैं। अधिकतर लोगों को मैंने देखा है कि दिन में 2 लीटर पानी भी नहीं पीते हैं। पानी पीने से मैं आपको रोकना चाहूंगी। आप ये बताइए कि एक दिन में किसी भी इंसान को या एक व्यक्ति को कितना पानी का सेवन करना चाहिए? देखिए, अगर हम डॉक्टरों की माने तो डॉक्टरों ने कहा है कि 5 से 8 लीटर तक पानी पीना शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सर्दी का मौसम हो चाहे वो गर्मी का मौसम। मैंने देखा है बहुत लोगों को ऐसा सोचते हुए भी कि सर्दी में लोग पानी पीना कम कर देते हैं, गर्मी में भी उतना पानी नहीं पीते हैं, लेकिन सही मात्रा में पानी कम से कम दिन में 5 लीटर पीना बहुत जरूरी है आपके शरीर के लिए। जैसा दीपिका मैम ने कहा कि दिन में अगर आप 5 लीटर यानी एक पूरे दिन में अगर आप 5 से 8 लीटर के बीच में पानी का सेवन करते हैं तो आप अपनी अनेकों गंभीर बीमारियों को मात दे सकते हैं, क्योंकि आजकल की जो बदलती लाइफ स्टाइल और यानी बदलती जीवन शैली है उसमें अधिकतर लोग बालों, स्किन और अपनी ड्राई स्किन से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि दीपिका मैम सर्दियों के मौसम में हमारी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है। यस, बिल्कुल आपने सही कहा कि सर्दियों के मौसम में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और लड़कियों में ज़्यादातर पिंपल्स की और हेयर फॉल्स की, इन सब चीज़ों की समस्याएं ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इन सब समस्याओं से बचने का भी सबसे बेहतरीन तरीका है, जो घरेलू तरीका है, वो है कि आप पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, गर्म पानी का सेवन करें। इसके सेवन से आपको बहुत फायदे हैं। एक तो आपका स्टमक क्लियर रहता है, बिल्कुल आपको कोई जितनी भी हमें बीमारियां अगर उत्पन्न होती है ना तो वो स्टमक के कारण होती है। अगर हमारा स्टमक अपसेट है,
अगर वो क्लियर नहीं है तो हमें पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम आती है, ऑयली स्किन होती है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम आती है, तो पानी पीने से ये सब समस्याएं 70% कम हो जाती हैं आपके अंदर। जैसा देविका मैम ने कहा कि अगर स्किन प्रॉब्लम है, हेयर प्रॉब्लम है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। लेकिन आपको इस बात से भी रूबरू करवा दें कि हमारे शरीर के अंदर जो हमारे महत्वपूर्ण अंग हैं, जैसे किडनी हो गया या फिर हमारी आईज ही क्यों ना हो गई, क्योंकि हमारी आंखें जो दुनिया को देखती हैं वो हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण अंग होती हैं। अगर हम भरपूर पानी का सेवन करते हैं तो हमारी आंखें भी हेल्दी बनी रहती हैं। लेकिन दीपिका आप एक चीज़ बताइए दर्शकों को कि हमें अगर हम सुबह के टाइम पानी का सेवन करते हैं या दोपहर के टाइम या फिर रात के टाइम, हमारे लिए कौन सा समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पानी का सेवन का? देखिए, जो सबसे ज्यादा समय महत्वपूर्ण है वो सुबह का है। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि सुबह सुबह पानी का सेवन करने से आपका पाचन तंत्र अच्छा रहता है, आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहता है, साथ ही साथ आपको जो आपकी रात भर का आपके अंदर जो मेंटेनेंस चल रही होती है, जिससे उसके पानी की कमी हुई होती है, वो पानी की कमी भी पूरी होती है। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूंगी रानी जी, दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि इस वक्त हमारी दिल्ली एयर पॉल्यूशन से ग्रस्त है, ठीक है? तो उसके कारण हमारे किडनी पर, लंग्स पर, हार्ट पर काफी इफेक्ट पड़ रहा है। तो अगर आप इस समय में पानी का सेवन करते हैं तो पानी के सेवन से आप पॉल्यूशन जैसी प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। दूसरा, कि अगर आप दोपहर के समय पानी का सेवन करते हैं तो उसका सही तरीका यह है कि खाना खाने से आधा घंटा पहले आप पानी पिए और खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी का सेवन करें। ठीक उसी तरह से रात के समय सोने से पहले 2 गिलास पानी पीकर जरूर सोएं। जैसा कि रानी जी ने आपको बताया कि रात को हमारे शरीर को मेंटेन करता है, हमारे शरीर के अंदर एक कार्य चल रहा होता है जो हमारे शरीर को पूरा करता है। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि हम जब सो जाते हैं तो बहुत सारे बॉडी फंक्शंस ऐसे होते हैं जो काम नहीं करते हैं, उस वक्त वो आराम कर रहे होते हैं। तो इसीलिए रात को पानी पीने से आपका क्या नाम है, ये सब बिल्कुल ठीक रहता है, जिसके कारण आपको कोई समस्या नहीं होती है। जैसा दीपिका मैम ने बताया कि पानी पीने से आप चाहे तो गंभीर बीमारियों को मात दे सकते हैं, साथ ही अपनी स्किन प्रॉब्लम जो आज के समय में एक आम समस्या बनी हुई है उसको मात दे सकते हैं। इसके अलावा आपकी हेयर फॉल की समस्या भी दूर हो सकती है। लेकिन आपको इस बात से भी रूबरू करवा दें कि हमारे शरीर में जो पानी मौजूद होता है वो थोड़ा सा हिस्सा हमारे हार्ट में मौजूद होता है और हमारे किडनी में मौजूद होता है, साथ ही हमारे मांसपेशियों में काफ़ी ज़्यादा पानी की मात्रा पाई जाती है। तो आप हमेशा सेहतमंद रहने के लिए पानी का सेवन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सुबह के समय उठते हैं तो आप सबसे पहले किसी और चीज़ के सेवन की बजाय सबसे पहले आप फ्रेश होने से भी पहले 1 या 2 गिलास पानी का सेवन करना ना भूलें, क्योंकि सुबह का 1 गिलास पानी आपको पूरे दिन सेहतमंद बनाए रखेगा, साथ ही आपको एनर्जी भरा भी रखेगा। तो आज की रिपोर्ट में इतना ही। आज हमने आपको बताया कि पानी आपके लिए कितना उपयोगी होता है, साथ ही इसे हम एक जीवन का रक्षक भी कहते हैं। एक बार फिर से मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई सेहत से जुड़ी बात के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर हमें आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है और आप हमेशा अपडेट पाना चाहते हैं, लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।